स्वच्छता के नाम पर जो पखवाड़ा चलाया जाता है, स्वच्छता ही सेवा करके चलाया जा रहा है। राजनांदगांव में भी आज 2 अक्टूबर को तमाम जगह कार्यक्रम हुए, निगम ने भी किए, अलग अलग एरियो में भी हुए। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी गांधी सभागृह में एस एन राम सेंटर के तमाम उन महिलाओं का सम्मान किया, कुछ को स्टेज में बुलाकर भी सम्मान किया, उनकी हेल्थ चेकअप की भी बात चल रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी सुनने मिला है कि इन्हीं एस एन राम सेंटर जो राजनांदगांव में 17 की संख्या में 400 से ज्यादा काम करने वाले, इनको कई लोगों को यहाँ पेमेंट नहीं मिली, ये भी सूचना मिल रही है। तो इनको पेमेंट मिलना चाहिए, और जो पेमेंट रुक रही है वो भी दिक्कत है, उसको भी साफ करना चाहिए, तभी सच्चा सम्मान होगा उनका जो मेहनत करते हैं। और उसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि पहले निगम के द्वारा इनको संचालित किया जाता था, लेकिन अब निगम ने इनको ठेका दे दिया है। तो ठेका में भी कुछ पेच आया है जिसमें इन जो काम कर रहे महिलाएं उनको दिक्कतें हो रही है। तो हेल्थ चेकअप भैया बाद में करवाना, पहले इनका पेमेंट दे दो, तब सच्ची स्वच्छता और इनको सेवा का मौका मिलने वाले को दिखावा करना नहीं, अच्छा काम करना कह सकते हैं। मेरे साथ इस खबर में कविता है, मैं अखिलेश। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उनकी उनके सम्मान में उनको सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ सम्मानित लोगों को मैं बुलाया हूँ, इनका नाम पूछता हूँ और बताता हूँ। इनको बता रहे हैं कि इनका हेल्थ चेकअप होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। अभी क्या स्थिति उन्हीं से पूछ लेते। क्या नाम है आपका? कौन से एसएलएम सेक्टर से? जोर से बोलो। अरे एसएलएम सेंटर का नाम कहाँ है? नावागांव सेंटर है। तो। अच्छा अच्छा, अभी आपको सम्मान मिला? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। सम्मान में कुछ पैसे से मिले क्या? नहीं। अच्छा, पेमेंट वेमेंट? हाँ मिलते हर महीने। अभी मिले थे? हाँ। अभी रुके पेमेंट? अभी अभी दिवाली में नहीं हुआ। कितने महीने से रुके? नहीं, 1 महीना के रुके। 1 महीना? आप बताओ, कुछ लोग 2 महीना बता रहे थे। नहीं, आप बताइए। 1 महीना का रुका। 1 महीना? कुछ लोग, क्या नाम आपका? पुष्पा नेताम। पुष्पा नेताम। कहाँ पेमेंट वेमेंट है बराबर? पेमेंट तो देते हैं सर। नहीं देते हैं, मैं नहीं देते हैं, समय भी नहीं कह रहा हूँ। पिछले लोग बता रहे अंदर कि 2 महीने से पेमेंट रुका है। अगस्त और सितंबर का बचा है। अगस्त और सितंबर मतलब 2 महीने तो हुआ जी, कैसे 1 महीना बोल रहे हो? लेकिन पिछले महीने ना दे दिए थे पैसा। ठेका पद्धति हो गया बताते आप? हाँ ठेका हो गया। तो उससे पहले अच्छा था क्या बच्चा ठेका पद्धति? अब अभी तो चालू हुआ है सर, अभी आगे बताएंगे। अभी कितना दिन होगा ठेका पद्धति? पेमेंट नहीं, ठेका तो 2 महीना। 2 महीना हो गया, तो पहले ठीक था क्या? ठीक पहले ठीक। कितने बजे से आए हो यहाँ पे? कितने बजे से आए हो यहाँ? तो 12 बजे से। 12 से बात करते, कुछ लोग और भी है उनसे बात करते। इधर आ जाइए। भाई कुंजाम। कौन सा एस एल एम सेंटर से आप? अराजू नगर। अच्छा अच्छा, बताइए कैसा लगा आज कार्यक्रम स्वच्छता वाला? अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो आपको पेमेंट वेमेंट समय पे मिल गया? नहीं मिला है सर, अभी 2 महीना हो गए नहीं मिले हैं, अभी 3रा महीना चालू हो गया है। अच्छा, 3रा महीना। आज गांधी सभागृह में कार्यक्रम हुआ है जिसमें स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भट्ट। क्या क्या आप लोग को पेमेंट मिले? नहीं मिला है अभी 2 महीने का पेमेंट। और क्या सम्मान? क्या बोले? प्रमाण पत्र दिए, प्रमाण पत्र दे के स्वागत किए। जी बताइए आपका क्या नाम है? मधु देवांगन। आप लोगों को सम्मान मिला? हाँ सम्मान मिला, प्रमाण पत्र। आप पेमेंट मिला? हाँ। कितने मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला। कितने महीनों से नहीं मिला? 2 महीना। 2 महीना? 2 महीना लग गया जी। परमेंट अभी 3रा महीना लग गया, नहीं मिला। नहीं मिला? तो आप बोले नहीं कि क्या बोलती? इतना भीड़ भाड़ में कहाँ जाके बोलेंगे जी, हम लोग का थोड़ी सुनेगा गरीब आदमी का, भीड़ भाड़ में जाके बोलेंगे। तो आज स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। स्वच्छता अभियान पखवाड़े के समापन के अवसर पे स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। जिला प्रशासन ने जिलाधीश संजय जी की उपस्थिति, अभिषेक यहाँ के आयुक्त की उपस्थिति, हमारे जिलाध्यक्ष, सभी पार्षद गणों की उपस्थिति में, और ये देश में एक जागृति आई है। गांधी जी ने जिस स्वच्छता की शुरुआत की थी, अपना खुद का शौचालय खुद साफ करके उदाहरण दिया था, जाति पाति अस्पृश्यता को समाप्त किया था, उस गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए मोदी जी ने 2014 में स्वच्छता के खिलाफ एक अभियान चलाया और शौचालय निर्माण का आह्वान लाल किले के प्राचीर से किया। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका है।
वृक्षारोपण का काम, जल संवर्धन का काम तेजी से चल रहा है 10 सालों में। ये गांधी जी के ही बताए रास्ते हैं जिसमें देश एक स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। और जो स्वच्छता करते हैं बहने, समाज में उनका ऊंचा स्तर है क्योंकि वो सफाई करते हैं, गंदगी हम फैलाते हैं। इसलिए हमको अपने विचार और सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। स्वच्छता बहनों को आज सम्मानित करके बहुत खुशी हुई कि नगर में गली गली घूम घूम कर वार्डों में पार्षद जाकर सफाई करती हैं और हमारे और आपके बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करती हैं। हमको भी अपने विचार और सोच में परिवर्तन लाना है। स्वच्छता विचार का परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है। कचरा हम डालते हैं, कोई बाहर से पड़ोसी नहीं आता, अपने ही नाली को हम बंद करते हैं और बाद में पार्षद को गाली देते हैं। तो अब स्वच्छता में हमारी जागरूकता जरूरी है। अपना शहर, अपना घर, अपनी गली और अपना घर के किन कोने कोने तक साफ सुथरा रखना। बच्चा भी जागरूक हो गया है। बाप यदि चॉकलेट खा के फेंकता है तो बच्चा उसके रेपर को जेब में रख लेता है, उसके अंदर परिवर्तन आ गया, बाप में परिवर्तन कब आएगा। मूल विषय यही है, हमारे सोच में, मैं अपने से ही बोल रहा हूँ, हमारे सोच में परिवर्तन लाने का ये बड़ा अभियान है। इसलिए धीरे धीरे हम, और अब ये जितने बहने हैं स्वच्छता, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, उनके नेत्र का परीक्षण होगा, उनके सारी बीमारियों का जांच होगा और भविष्य में एक बड़ा कैंप और लगाएंगे। अभी तो मेडिकल की टीम आई है, चेक कर रही है, पर आगे भी सभी लोगों को बेहतर तरीके से चेक, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। सर, जिनको सम्मान किया, 17 ऐसे अलार्म सेंटर है, 400 महिलाएं काम करती है, 2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है इनको और इनका ठेका पद्धति परेशान है। सम्मान करेंगे, भूखे मरेंगे कि मरेंगे 2 महीने के बाद, कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे मृत्यु का, लोगों का, इनका सबका और सभी लोगों का। जो कमियां रह गई है उस कमियां को प्रशासन दूर करेगा।